दिस क्वेश्चन है स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू ऑफ द फोर चॉइसेस गिवन आफ्टर द स्टेटमेंट चूज द वन दैट बेस्ट डिस्क्राइब द टू स्टेटमेंट्स एन इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैज़ अ यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी रो. तो इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर दिया जिसका रेडियस आर हैज़ अ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो. ओके, तो यहाँ पर एक स्फीयर ड्रॉ कर लेता हूँ, सॉलिड स्फीयर. तो ये है आपके पास सॉलिड स्फीयर जिसका डेंसिटी रो है, रेडियस आर है. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देर इज अ फाइनाइट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, एट द सर्फेस ऑफ द स्फीयर एंड ऑल्सो एट द आउटसाइड ऑफ द स्फीयर. द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी जीरो. ओके, तो उसने क्या बोला है, सेंटर पे एंड सरफेस पे एंड पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फाइनाइट वैल्यू है एंड इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना, जीरो. स्टेटमेंट वन क्या दिया है, व्हेन अ चार्ज क्यू इज टेकन फ्रॉम द सेंटर टू द सरफेस ऑफ द स्फीयर इट पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस बाय क्यू रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट. एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर लेस देन आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर इज रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. ये अभी देखो पहले स्टेटमेंट टू के लिए सॉल्व करता हूँ मैं. अभी अगर आपको ये फार्मूला पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ सॉलिड स्फीयर एट अ डिस्टर एट अ पॉइंट विच इज़ इनसाइड द स्फीयर, अगर वो फार्मूला पता है तो बहुत अच्छी बात है. वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ स्फीयर इज रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, राइट. अगर पता भी नहीं है तो टेंशन मत लेना, तुम्हें क्या करना है, इसका डेरिवेशन वाला पार्ट अच्छे से सॉल्व करना है तो ये फार्मूला आ जाएगा. तो सेंटर पे इनसाइड कितना होता है, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, राइट. मतलब कितना डिस्टेंस पे, यहाँ से आर डिस्टेंस पे. बाद में सरफेस पे कितना आता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर एंड आउटसाइड द सरफेस कितना आता है, के क्यू बाय छोटा आर स्क्वायर. मतलब पहला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है. सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम लोग बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, देखो यहाँ पर व्हेन अ चार्ज इज क्यू इज टेकन फ्रॉम द सेंटर टू द सरफेस ऑफ द स्फीयर. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, व्हेन अ चार्ज क्यू इज टेकन फ्रॉम द सेंटर टू द सरफेस ऑफ द स्फीयर इट्स पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस बाय क्यू रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट. ओके, तो कहाँ से जा रहे हैं हम लोग, सेंटर से सरफेस की तरफ जा रहे हैं. वी आर मूविंग फ्रॉम सेंटर टू सरफेस. किसको लेके जा रहे हैं हम लोग, चार्ज क्यू को लेके जा रहे हैं. तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज होगा, तो देखो अगर मुझे पोटेंशियल पता है तो मैं पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता हूँ. तो मुझे ई पता है देखो इनसाइड कितना है, तो अगर ई पता है तो मैं ई से पोटेंशियल निकालूंगा. तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल का रिलेशन क्या होता है, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी आर, राइट. तो ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी आर है एंड ये ई क्या है आपके पास, रो आर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी आर है. तो अगर डी वी की बात करें हम लोग तो डी वी क्या आ जाएगा, माइनस रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी आर आ जाएगा. तो इसको इंटीग्रेट करो कहाँ से, फर्स्ट पॉइंट से लेके मतलब सेंटर से सरफेस वाले पॉइंट तक विथ रिस्पेक्ट टू वी इज इक्वल टू माइनस रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट. तो कॉन्स्टेंट है अंदर क्या बचा, आर विथ रिस्पेक्ट टू आर. ये कहाँ से आएगा, सेंटर पे आर का वैल्यू जीरो, सरफेस का आर का वैल्यू आर. तो ये आ जाएगा यहाँ पर डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर. क्या आएगा, आर स्क्वायर बाय 2, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके आर तक. मतलब डेल्टा वी का वैल्यू क्या आएगा, माइनस रो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट. ये आपको क्या मिला, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मिला. कितना मिला, रो आर स्क्वायर बाय 6 एप्सिलॉन नॉट मिला, राइट. अभी हमें चाहिए पोटेंशियल एनर्जी. तो देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू वी होता है. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, जे क्यू इंटू चेंज इन पोटेंशियल. तो ये आ जाएगा क्यू इंटू माइनस रो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट. तो ये क्या है, माइनस रो क्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट. ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा. देखते हैं ऐसा दिया है क्या, क्या दिया उसने, स्टेटमेंट वन पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस बाय क्यू रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट नहीं है, कितना है, रो क्यू आर स्क्वायर बाय 6 एप्सिलॉन नॉट है. मतलब स्टेटमेंट वन क्या है, फॉल्स है.
तो स्टेटमेंट वन इज़ फॉल्स, स्टेटमेंट टू इज़ ट्रू, ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट वन।